अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ मुरग मुसल्लम। मुरग मुसल्लम के लिए मैं ली हूँ 1.5 किलो की मुरग और इसको कटान लगा ली, डीप डैशेस लगा लेना इसको, और इसको 3 से 4 पानी से वॉश कर ली। और इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून है हल्दी का पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 बड़े लेमन का जूस और 1 बड़े लेमन का जूस डाली में। अभी इसमें डालेंगे फूड रेड कलर, बिल्कुल थोड़ा 2-3 चुटकी में इसमें डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते। अभी सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल, अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मुरख को हम जो मसाला तैयार करके रखे थे लगा लेंगे, कटोरी में अच्छे से लगाएंगे। अच्छा, चिकन को चारों तरफ से जो कटा है इसके अच्छा सा लगा लेंगे मसाला। अच्छे से मैं उलट पलट के मुरग को अच्छे से मसाला लगा लिया। अब इसको कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे और 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटा काफ़ी है। 2 घंटे हो गए, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उबले हुए अंडे इसमें उबले हुए अंडों की स्टफिंग करेंगे। चाहे तो आप खीमा भी इसमें भर सकते। अब इसके 2 पैरों को मिलाकर टाइट बन देंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं ली हूँ गाढ़ा दही 150 ग्राम और काजू बादाम है 15-20, काजू है 15 से 20, बादाम है, और अदरक लहसुन नमक में दिए। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून मिर्ची है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का प्यूरी, 1 टीस्पून भर के है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, काजू बादाम का पेस्ट बना के रख लेंगे। एक पैन ली में इसमें डाली 1 कप ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1/3-4 हरी इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 2-3 लौंग, तेज़पत्ता। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज। ये बर्तन छोटा है, मैं बर्तन को चेंज कर दे रही हूँ। इसमें चिकन मुरग आने के लिए मुश्किल हो जाएंगे और पलटाने के लिए, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है, इसका कच्चापन जाने तक इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक मिर्ची और हल्दी, बिल्कुल कुछ सेकेंडों के लिए इसको फ्राई करेंगे। कुछ सेकंडों के लिए मैं फ्राई करी। अब इसमें डालेंगे चिकन और इसको डालेंगे हम उल्टा डालेंगे, ब्रेस्ट तरफ नीचे रखेंगे। तेज फ्लेम पे 10 मिनट इसको चिकन को भूनेंगे।
एक 10 मिनट तक मैं इसको साइड बदलते हुए भून ली। अब इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। अब इसमें डालेंगे दही। दही डालने के बाद इसको एक 10 मिनट पका लेंगे। दही का कच्चापन जाना। अब इसमें डालेंगे काजू बादाम का पेस्ट। 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला काली मिर्च, धनिया पाउडर। 15 से 20 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और कवर कर लेंगे। बीच बीच में इसके साइडों को बदलेंगे और मसाले को मिलाते जाएंगे। अगर आपको पानी थोड़ा कम दिख रहा, बिल्कुल मसाला दिख रहा, तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में इसको अच्छे से पका ली। इसके साइडों को बदलते गई और माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही और चिकन हमारा अच्छे से गल गया। अब एक बड़े लेमन का जूस। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। धीमे फ्लेम पे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक मैं इसको धीमे फ्लेम पे कवर करके रखी। माशाल्लाह इसका जितना पानी था सारा सूख गया और इस सरफेस पे अच्छे से ऑयल आ गया। अब इसमें डालेंगे हम 4-5 हरी मिर्चों को स्लिट करके, 4-5 हरी मिर्चों को स्लिट करके डालेंगे और थोड़ी सी अच्छी मुट्ठी भर कोथमीर इसमें डालेंगे। इससे अच्छा फ्लेवर आता। बिल्कुल एक दो मिनट इसको पका लेंगे। थोड़ा सा इसका फ्लेवर, जो हरा मसाला कोथमीर डाले हम, उसका फ्लेवर छूटने के लिए। चलिए फ्लेम को बंद करके साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट राइस बनाएंगे। ड्राई फ्रूट राइस के लिए मैं ली हूँ बासमती चावल है 1 किलो और इसको धो के आधे घंटे के लिए छोड़ दिए। और बादाम का जो है, पिस्ता है, किशमिश है, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकते हैं। एक बर्तन रख दिया। अब इसमें ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। चलिए ड्राई फ्रूट गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा, इलायची, बिल्कुल सेकंडों में। फिर प्याज डालेंगे, 1 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल प्याज का कच्चापन जाने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन होने नहीं देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे, डार्क होने नहीं देंगे, सिर्फ कच्चापन जाना, अदरक लहसुन का कच्चापन जाना। बिल्कुल हल्का सा अदरक लहसुन को मैं पका ली, बिल्कुल कच्चापन इसका जाने के लिए। अभी 4 से 5 टेबल स्पून गाढ़ा दही। दही डालेंगे। दही से क्या होता है, हमारे जो ड्राई फ्रूट राइस है बिल्कुल जूसी बनते, रुखे ड्राई नहीं रहते, जूसी रहते। कच्चापन जाना है, ये दही का पानी सूखना और इसका कच्चापन जाना, जब तक इसको पका लेंगे। ड्राई फ्रूट का, दही का कच्चापन जाने तक मैं इसको फ्राई कर ली। अब इसमें 4-5 हरी मिर्चों को स्लिट कर देंगे डालेंगे और कोथमीर, 1 टेबल स्पून नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब क्या करेंगे, हम जो ड्राई फ्रूट थे आधे इसमें डाल देंगे, आधे सर्व करते वक्त डालना। अब क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पानी डाली में चावल का डबल। अगर आपका चावल थोड़ा नया है या ज़्यादा देर भिगे हुआ है, तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। पानी में हमारे उबाल आ गया। अब इसमें डाल देंगे चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसको मिला लेना। अब इसमें कोई भी चीज़ डालना नहीं है। अब इसको कवर कर देंगे। जब उबाल आना शुरू होता, तो जब ढक्कन निकालेंगे और फ्लेम को हमेशा तेज़ी रखेंगे। जब दम देते वक्त धीमा करना। हमारा तकरीबन सूख गया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अब फ्लेम को धीमा करके 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे। 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पे रखी थी और पानी इसका पूरा ड्राई हो गया, मैं चेक कर ली। खाना हमारा
अच्छे से दम हो गया। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून असली घी। असली घी थोड़ा सा ऊपर दम पे डालेंगे और फ्लेम को बंद करके कवर कर देंगे। अब डिश शॉट करके बताऊँ। चलिए, हमारे ड्राई फ्रूट राइस और मुर्ग मुसल्लम तैयार है। माशाल्लाह बिल्कुल आसानी के साथ बना और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़